एक तरफ जहां रूस यूक्रेन में पश्चिमी देशों के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस में अगले साल मार्च 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं और पुतिन ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव दोबारा लड़ेंगे। लेकिन इस सबके बीच अक्टूबर 2023 में रूस की संसद ड्यूमा ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को रद्द कर दिया था और इसके बाद रूस ने कई परमाणु मिसाइल परीक्षण किए हैं। और अब इसी कड़ी में रूस ने दो नई परमाणु पनडुब्बी बना ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इनका उद्घाटन भी कर दिया है। इनमें से एक पनडुब्बी बोरई क्लास की है। आपको बता दें कि पुतिन रूस के उत्तरी शहर सेवेरोदेविंस्क गए, जहां पर उन्होंने एम्परर अलेक्जेंडर III और क्रेस्नोयार्स परमाणु पनडुब्बी का निरीक्षण किया। इन पनडुब्बियों को सेवमास शिप बिल्डिंग यार्ड में बनाया गया है। रूस को इन्हें बनाने में करीब 6 साल का वक्त लगा और अब पुतिन की हरी झंडी के बाद रूस इन पनडुब्बियों को अपने समुद्री बेड़े में शामिल कर रहा है। इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के जहाज और हथियारों के बल पर रूस सुरक्षित महसूस करेगा। आपको बता दें कि द एम्परर अलेक्जेंडर III रूस की बोरई क्लास पनडुब्बी का हिस्सा है। इनमें से प्रत्येक पनडुब्बी में 16 परमाणु बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई हैं। रूस की बोरई क्लास पनडुब्बियां समुद्र के भीतर वाली पहली नई जनरेशन की पनडुब्बियां हैं, जिन्हें रूस ने शीत युद्ध के बाद बनाया है। वहीं द क्रेस्नोयार द यासेन क्लास बहुद्देशीय पनडुब्बियों की श्रेणी में आती है, जो लॉन्ग रेंज हाई एक्यूरेसी वाली मिसाइलों से लैस हैं। इस पनडुब्बी को लेकर पुतिन का कहना है कि ये समुद्र और जमीन दोनों पर हमला कर सकती है। इन पनडुब्बियों को लेकर पुतिन का कहना है कि हम दुनिया के महासागरों के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों आर्कटिक, सुदूर पूर्व, काला सागर, ब्लैक बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर में रूसी नौसेना और नौसैनिक शक्ति की युद्ध तत्परता को संख्या के आधार पर मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि पुतिन लगातार नई पीढ़ी के हथियारों, विशेषकर परमाणु हथियारों और उनकी रोधक क्षमता को लेकर बार बार जोर देकर बात करते आए हैं। वहीं रूस के रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि पुतिन के लिए परमाणु हथियार बेहद ही अहम है, वो भी तब जब रूस पिछले 22 महीनों से यूक्रेन से जंग लड़ रहा है और मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है।